नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ चुका है। ईडी ने अपनी जांच में बड़ा पर्दाफाश करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जोड़ दिया है। ईडी ने के कविता और केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही के कविता पर आपको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का भी आरोप लगाया है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो के कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जुड़ चुका है। ईडी ने कहा है कि के कविता और केजरीवाल ने आबकारी घोटाला किया है, रिश्वत ली गई है, 100 करोड़ की के कविता से रिश्वत ली गई है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 21 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। देखना होगा कि क्या केजरीवाल पहुंचते हैं। तो ईडी ने यह कहा है कि के कविता ने आपको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से के कविता की आवाज पर हैदराबाद में छापेमारी होती है और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। यहां पर अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल ये कहते आए हैं कि उनको फंसाने की राजनीतिक साजिश हो रही है, दिल्ली सरकार गिराने की साजिश है और अब तो नाम जुड़ चुका है केजरीवाल का। इससे पहले ईडी ने जितने भी समन्स अरविंद केजरीवाल को दिए थे, पूछताछ के लिए बुलाया था कि जब आबकारी ये घोटाला हुआ था, जिस वक्त आबकारी नीति को लेकर के रणनीति बनी थी, उस वक्त जो मामला सामने आया था रिश्वतखोरी का, उस मामले में पूछताछ करना चाहती थी। अब तो खैर नाम ही जुड़ चुका है। ऐसे में यहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं अरविंद केजरीवाल की। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले हमने देखा कि मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल पाई और एक एक करके अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं साजिश है, लेकिन अब तो नाम जुड़ चुका है। 21 मार्च को ईडी के सामने पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को। आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल का नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ईडी को बीजेपी का हथियार बताया है। साथ ही कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। तो आबकारी घोटाले में केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। बीजेपी का राजनीतिक हथियार है ईडी, ये कहा गया है। और बीजेपी कहती आई है कि अगर कोई घोटाला नहीं किया है, अगर रिश्वत नहीं ली है, तो फिर डर कैसा, जांच से भागना क्यों। लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर है और कहा कि ईडी राजनीतिक हथियार है बीजेपी का। तो वहीं आबकारी घोटाले में ईडी के अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि केजरीवाल इस्तीफा दे और ईडी का सामना भी करे। केजरीवाल साहब को चाहिए कि जो 2012 में उन्होंने हमें कहा था, जनता को कहा था कि अगर मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या मुझे जेल में डाल देना, ये समय आ गया है कि उनको इस्तीफा देकर के ईडी को फेस करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि ईडी ने अपनी जांच में केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। ईडी के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल शामिल है, तो गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं, जिसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हम एक एक करके आपको बताएंगे क्या आरोप लगे हैं। के कविता ने केजरीवाल समेत आप नेताओं के साथ साजिश रची। इसके अलावा ईडी ने के कविता पर आपको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। निजी लाभ के लिए दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव किए गए, ये गंभीर आरोप है। अपने फायदे के लिए आबकारी नीति में बदलाव किए गए। आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, ये प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा आरोप है। के कविता ने केजरीवाल समेत आप नेताओं के साथ साजिश रची और आम आदमी पार्टी ने तो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली है के कविता से। कैंसर की नकली दवाओं के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 65 लाख रुपए नकद मिले हैं। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयों का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में अब तक 65 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। तो यहाँ पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। कैंसर की नकली दवाओं का मामला, दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और कैश भी बरामद किया गया है। अब तक आप ये समझिए जो छापेमारी हुई है उसमें ईडी को 65 लाख रुपए का कैश मिला है। तो
तो कैंसर के नकली दवा मामले में ईडी ने आरोपी विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय, परवेज मलिक, अभिनय और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की। 65 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इसमें आरोपी सूरज शत के घर में भीनबाग में छिपा कर रखे गए 23 लाख रुपए भी शामिल है। इसके अलावा संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है। तो ये यहाँ पर आप समझिए कि एक तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जिसमें नकली दवाइयां बाजार में बेची जा रही थी, उस मामले में छापेमारी होती है, 65 लाख रुपए कैश भी बरामद होते हैं, काफी बड़ा ये नेक्सस है। और आप ये समझिए कि भीनबाग में 23 लाख रुपए छपा कर रखे गए थे। अभी तक 65 लाख रुपए जब्त हो चुके हैं। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 10 ठिकानों पर ईडी ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अभी और खुलासे होने बाकी हैं। कोलकाता में बन रही एक इमारत के ढहने से हुई 9 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इस इमारत को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कोलकाता नगर निगम के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता उस मुख्यालय के बाहर डटे रहे और अवैध निर्माण के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में तुरंत एक्शन लेने की मांग की। गवर्नमेंट हैज द ऑप्शन टू सेट अप टास्क फोर्सेस टू आइडेंटिफाई द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची थी। इस दौरान उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी के सिर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वो इस हालत में हादसे वाली जगह पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से मुलाकात की। एक रोज पहले उस इमारत के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि देर रात करीब 12 बजे हुए इस हादसे से वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस इमारत के मलबे के नीचे 10 से ज्यादा लोग दब गए। बन रही उस इमारत के अचानक गिरने से वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद वहां तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और मलबे के नीचे दबे ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। यही वजह रही कि वहां अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। यही वजह रही कि वहां अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। बताया गया कि उस इमारत के आसपास कई झोपड़ियां भी मौजूद थीं और वो भी उस इमारत के नीचे दब गई। वहां से हादसे के बाद की जो तस्वीरें आईं उनमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और सभी लोग उस इमारत के मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुटे थे। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई।